नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार। मैं हूं एलडी स्वामी। आज हम बात करने जा रहे हैं चुनावी सरगर्मियां भाग दो में, एपिसोड दो में आपका स्वागत है। और आज हम बात नगरपालिका चेयरमैन की नहीं करेंगे, आज हम नगरपालिका के वार्डों के पार्षदों की बात करेंगे। वो इसलिए कि इस बार चुनाव जो है हरियाणा प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय के जो है प्रत्यक्ष रूप से होंगे, प्रत्यक्ष रूप से, ऐसे जैसे गाँव में सरपंच, विधानसभा में विधायक और संसदीय क्षेत्र में सांसद चुने जाते हैं, वैसे ही इस बार प्रत्यक्ष रूप से वोटर जो है नगर पालिका का प्रधान चुनेंगे। इस बार पार्षदों की भूमिका नहीं रहेगी चेयरमैन बनाने में। इसको लेकर पार्षदों की जो भूमिका ना होने के कारण उनकी जो पार्षद है उनमें मायूसी भी है और कोई पार्षद बनना भी नहीं चाह रहा है इस वक्त। सभी पार्टियों के लिए हर वार्ड में पार्षद प्रत्याशी खड़ा करना एक टेढ़ी खीर बन गया है, सभी पार्टियों के लिए मुश्किल का काम बन गया है। उनको ढूंढने पड़ रहे हैं, ढूंढने से भी पार्षद प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, सभी जो पार्षद थे वो चुनाव लड़ते थे और उसके बाद पार्षद चेयरमैन बनाते थे और चेयरमैन भी प्रयास करते थे, भारी भरकम प्रयास करते थे कि उनकी संख्या, पार्षदों की संख्या बढ़े ताकि वो चेयरमैन बन सके। लेकिन इस बार सीधे वोटर जो है वो अपना चेयरमैन चुनेंगे। तो इसको लेकर बड़ी जो पार्टियां हैं सभी, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास इस वक्त चेयरमैन पद के लिए एक दर्जन के लगभग उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है जो टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो उनके पास आधा दर्जन उम्मीदवार ऐसे हैं जो टिकट चेयरमैन की मांग रहे हैं। इनेलो में भी 2 से 3 नाम चल रहे हैं जो टिकट के लिए प्रयासरत हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी नामों पर मंथन कर लिया, हालांकि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, फिर भी मंथन तो पार्टी अपने लेवल पर कर रही है। लेकिन अभी तक किसी भी वार्ड में कोई भी पार्टी जो है अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है। इसकी वजह है गले में कौन घंटी बांधे पार्षद की, क्योंकि पार्षद की कोई वैल्यू इस चुनाव में नहीं है। फिर भी पार्षद तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि एक जो व्यवस्था है उसके अनुसार पार्षद तो चुनना पड़ेगा, लेकिन गले में घंटी किसके बांधे पार्टी, ये है। और बात करें तो पार्षद भी पीछे हट रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिना काम का खर्चा वो मानते हैं इस चुनाव में, कि पार्षद बिना काम का क्यों खर्चा करे जब उसके बस में ही कुछ नहीं है। तो चर्चाएं ये भी चल रही है, सुनने में आया है कि पार्षद जो पार्टियां उनके पास जाती है कि आपको हम वार्ड का पार्षद बनाएंगे, तो पार्षद कहता है कि जी नहीं, मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता और मेरे पास समय नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। वो चुनावी खर्चे से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और चर्चा ये भी है कि जो प्रत्याशी उम्मीदवार जो चेयरमैन के लिए है उनको सौंपे जाएंगे कि आप इतने पार्षद लड़ाएंगे और इतने पार्षदों का आप खर्चा उठाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन फिलहाल जो है किसी भी वार्ड में, एलनाबाद शहर की बात करें, 17 वार्ड हैं, 17 वार्डों में सभी वार्डों में पार्षद अभी तक नहीं घोषित कर पाई है कोई भी पार्टी। एक आध दो वार्डों को छोड़कर अगर हम बात करें तो लगभग पूरे शहर में अभी तक जो है ना तो इनेलो के पास पार्षद मिल रहे हैं, ना भाजपा के पास पार्षद मिल रहे हैं। और बीजेपी, जेजेपी की बात करें, जेजेपी इस चुनाव में जो भूमिका है वो बिल्कुल ही नाम मात्र, जीरो दिख रही है, क्योंकि चुनाव के एंड मौके भाजपा ने जो कह दिया कि हम अकेले चुनाव प्रदेश में लड़ेंगे और जेजेपी के पास समय कम था, वो सोच नहीं पाएगी हमें कैसे ये चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। इसको लेकर हमने चर्चा की है। और आपके नज़र में जो पार्षद, वार्ड के पार्षद हैं, उनके नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें बताएं और प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद। क्या हो?